हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई आप कैसे अपने डिवाइस का जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज में आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, अदर फाइल्स। तो यहां पर आप देखते हो ये जो अदर फाइल है, आपको खुद नहीं पता ये जो अदर फाइल है कौन कौन सी है, इसको हम कैसे डिलीट करें। यहां पर हम टैप करते तो भाई ये डिलीट का ऑप्शन नहीं आता है और आपकी इसके वजह से स्टोरेज जो काफ़ी ज़्यादा भर जाती है, यानी कि 17 GB कहाँ भरा हुआ भाई, हमें पता ही नहीं चल रहा, हमारे डिवाइस में स्टोरेज ही नहीं है स्टोर करने के लिए। तो यहां पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूं, हम ऑल स्पेक्स में चले जाते हैं तो मेरे डिवाइस में अभी आप देख सकते हो 7.22 GB अवेलेबल है ओनली 64 GB में से। तो यहाँ पर मैं आज आपको इस वीडियो में अदर फाइल्स को डिलीट करके दिखाऊंगा और ये जो स्टोरेज है ना इंक्रीज करके दिखाऊंगा कि हाँ भाई अदर फाइल को डिलीट करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, जब आप फाइल्स को डिलीट करोगे तो स्टोरेज बढ़ेगा। तो भाई मैं अपने Redmi Note 7 Pro से परेशान हो चुका था, मैंने सोचा कि अपने डिवाइस को भाई एक बार फॉरवर्ड मार देता हूँ क्योंकि क्लीन हो जाता है। जब क्लीन हो जाता है आपका डिवाइस तो कुछ इस तरह से होता है। अदर फाइल्स आप देख सकते हो 0.9 GB, यानी कि 1 GB के आसपास है, कुछ भी नहीं डाला तो भी 1 GB के आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हो 13 GB भरा हुआ है, बाकी पूरा का पूरा खाली है, अप्रोक्स 40 GB के आसपास खाली है, 40-48 GB के आसपास खाली है। तो इस तरह से नया हो जाएगा। लेकिन भाई बात क्या होता है, हमारा जो पर्सनल डिवाइस होता है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, डिलीट यानी कि फॉर्मेट करने के बाद हमें पता चलता है कि यार ये वाला फाइल चाहिए था जो कि अब डिलीट हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको फॉर्मेट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कैसे आप ये जो अदर फाइल है इसको डिलीट कर सकते हो और आप अपने स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हो। छोटी सी सिंपल सी वीडियो, बस वीडियो को देखते रहना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस टाइप से Xiaomi से रिलेटेड, Xiaomi फोन से रिलेटेड और अपडेट से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जिससे कि मेरे को ये लगेगी यहाँ आपको इस टाइप की वीडियोज़ पसंद आई तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ लाऊंगा इस टाइप की। तो अब हम बात करते हैं भाई कि अदर फाइल जो कैसे डिलीट करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया 7.22 GB मेरा अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको स्टोरेज इंक्रीज करना था आप जैसे, तो ये है कैचड फाइल। तो सबसे पहले तो भाई इसको यहाँ पर टैप करो, एक क्लीन और क्लीन कर दो। सबसे पहले तो इसको यहाँ से दफा करो, मतलब कि इसको हटाओ, सबसे पहले इसको डिलीट करना। अब देख सकते हो तो ये हमारे जो प्रोसेसिंग में चल रहा है, यानी कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना। अभी मैंने क्लिक किया, ओके किया, ये आपका ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। 7.21 लिखा हुआ है, यहीं पर आपको GB दिखा देगा कितना हुआ है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो अभी क्योंकि बैकग्राउंड में चला है इस वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, मात्र 1 से 2 मिनट में ये आपको दिखाएगा कि हाँ आपका कितना डेटा जो था, यानी कि कैच फाइल था, वो डिलीट हुआ। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर मैं एक और बार देख लेता हूँ करके क्लीन ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हो 12 GB, देख सकते हो 7 से 12 GB हो चुका, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब जो कैचड फाइल बचा है वो 4.50 MB, यानी कि 50 MB टोटल, मान लो 50 MB के आसपास टोटल ही बचा हुआ, जो कि यह काफ़ी बढ़िया बात है। यानी कि 7 GB से 12 GB तो मैंने बस कैचड फाइल को डिलीट कर दिया। कैच फाइल क्या होता है, जैसे कि आप बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना, तो उसका बैकग्राउंड में डेटा बन जाता है, तो उसको आप डिलीट कर दो तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है, आपके फ़ोन के स्टोरेज को भाई सही करता है, यानी कि सेव करता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता भाई, तो आप इसको कर लेना। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बार। तो अभी आप देख सकते हो अदर फाइल्स हमारी 17 GB की है, अभी हमारा कैच फाइल डिलीट हुआ ओनली फॉर, हमारा अदर फाइल्स नहीं डिलीट हुआ। तो अब हमको अदर फाइल डिलीट करने के लिए करना क्या है, सिंपल आप प्ले स्टोर पर जाओगे, प्ले स्टोर पर आपको एक एप्लीकेशन देखने मिलेगा स्टोरेज एनालिटिक्स के नाम से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यार मैंने वो एप्लीकेशन डाला हुआ है, तो कहाँ गया भाई स्टोरेज, स्टोरेज तो एक सेकेंड मैं ढूंढता हूँ भाई, ये वाला एप्लीकेशन। तो ये है भाई, यहाँ पर स्टोरेज एनालिटिक्स के नाम से आपको देखने को मिलेगा, आप सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार प्ले स्टोर जो दिखा देता हूँ ना, बाद में आप बोलोगे कि यार हमें मिल नहीं रहा, तो स्टोरेज यहाँ पर लिख देते हम स्टोरेज एनालिटिक्स। हाँ तो ये आप देख सकते हो, ये है भाई स्टोरेज एनालाइज। तो आपको ये सिंपल डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर ये कुछ डी के नाम से आ रहा है, एस के नाम से तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। कुछ आने के बाद ये कुछ आपका स्कैनिंग लेगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो नीचे स्कैनिंग ले रहा था, थोड़ी देर स्कैनिंग लेगा। स्कैनिंग लेने के बाद यानी 1 से 2 मिनट स्कैन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका स्कैन कर लेगा ना, स्कैन करने के बाद सिंपल आप जैसे यहाँ पर आप जैसे फाइल डिवाइस, यहाँ पर ड्राइव यूसेज, तो आपको सिंपल यहाँ पर फाइल्स कैटेगरीज में चले जाना है। यहाँ पर आप जैसे तो ये है अदर फाइल्स, तो यहाँ पर हमें अदर फाइल्स दिखा रहा है 3.29 GB का दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखो भाई वो जो फाइल्स है ना ये बहुत सारी अलग अलग होती है, इसमें ना सिस्टम की भी फाइल्स होती हैं, अदर फाइल्स में सिस्टम की भी फाइल्स होती है, तो उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। अदर फाइल्स यहाँ पर दिखा रहा है 3 GB की, यानी कि आप 3 GB तक डिलीट कर सकते हो
अगर आपको करना है तो। बट इसमें भी आपको सारा फाइल्स डिलीट नहीं करना है, इसमें आपको खुद देख के करना है कि आपको क्या डिलीट करना है, क्या रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम अदर फाइल्स को यहाँ पर ओपन करते हैं तो सबसे जो फाइल आता है अदर वाला, वो आता है ओबीबी फाइल। तो ओबीबी फाइल को आप कभी भी डिलीट मत करना। ओबीबी फाइल होता है जैसे कि आप अपने फ़ोन में गेम वगैरह यूज़ करते हो तो ये उसका फाइल होता है, गेमिंग का फाइल होता है। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे ना तो आपका गेम वगैरह बंद हो जाएगा, आपको दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। ओबीबी फाइल को डिलीट नहीं करना। बाकी मैं आपको कहूँगा जितनी भी सब आप डिलीट कर दो, आपकी मर्जी है, बट आपको फिर भी देखना कौन सा क्या फाइल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा जो फोल्डर है यहाँ पर ये लिखा हुआ है फाइल, तो भैया ये पता नहीं, आप देख सकते हो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये पता नहीं, देख सकते हो यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ है यार, उल्टा सीधा भरा हुआ है। तो इसको सिंपल इस पर आपको टैप करना, टैप करने के बाद यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करना, यहाँ पर सबको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, या जैसे सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर मैं भैया इसको डिलीट कर देता हूँ, जितनी भी फाइल है भाई मैं तो इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ये देख सकते हो ये मेरा हो चुका है डिलीट। अदर में हम जाते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हो अदर, अदर किधर की चला गया अदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 3 GB से हमारा 2.58 GB हो चुका है, क्योंकि मैंने फाइल्स वाले जो थे वो सब डिलीट कर दिया। अब उसके बाद आता है MTZ। तो मैं देखो MTZ वो फाइल्स है, यानी कि आपको पता होगा अगर आपने कोई भी थीम एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी, आपको पता होगा थर्ड पार्टी थीम्स होती है MTZ, आपको MTZ के नाम से पता होगा अगर Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हो। ये है भाई थीम्स ऐप, यानी कि थीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MIUI 12, ये सारी थीम्स है, तो ये इसको डिलीट मत करना अगर आपको थीम्स चाहिए। बाकी आप देख सकते हो ये टैम्प फाइल, तो टैम्प फाइल पता नहीं भैया क्या है, इनको सबको मैं सेलेक्ट करूँगा भाई, मेरे को कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, इनको भी भाई मैं डिलीट कर देता हूँ। टैम्प फाइल को भी भाई मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। उसके बाद अब मैं और यहाँ पर दिखाऊँगा आपको, तो और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग फाइल आपको देखने को मिल जाती है। ये है भाई यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह, पता नहीं किस चीज़ की स्क्रिप्ट है भाई, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी भाई, मैं तो सेलेक्ट ऑल करूँगा, डिलीट कर दूँगा। आपको अपने हिसाब से देखना है भाई, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल सही है, कौन सी फाइल डिलीट करनी है, तो आपको वो कर देनी है। तो बाकी आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग फाइल्स हैं, आप चाहो तो कुछ भी डिलीट कर सकते हो। बाकी देख सकते हो यहाँ पर साइज़ दिखा रहा है, छोटी, जिसमें सबसे ज़्यादा साइज़ हो उसको पहले देखना कि हाँ भाई क्या था। सबसे ज़्यादा फाइल भाई OBB में था, जो कि भाई मैंने छोटी मोटी डिलीट की है, कि OBB में डिलीट नहीं करना है, क्योंकि यार ये गेमिंग फाइल है। बाकी सब आपको डिलीट करना था कर सकते हो। यहाँ पर ये MTZ भाई मेरे को नहीं रखना थीम भाई, मैं ऑल सेलेक्ट करूँगा, मेरे को भाई स्टोरेज चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे तो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। और यहाँ पर हम चलते दोबारा यहाँ पर अदर फाइल में, तो अदर फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कैच फाइल यहाँ पर भी हमें दिया गया है, तो कैच फाइल को आप यहाँ से भी डिलीट कर देना ऑल पर सेलेक्ट करने। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, आपको देखना है कि कौन सा फाइल है तभी आपको डिलीट करना पता लगेगा। आप आँख बंद करो, सबको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, ऐसा करोगे फिर आपसे बोलोगे हमारा जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो हमारा डिलीट हो गया। तो भाई मैं सिंपल कह रहा हूँ, प्लीज़ यार आप देख के करना। तो मैंने इतनी सारी फाइल डिलीट कर दी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो स्टोरेज है वो कितना हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो अदर फाइल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो अदर फाइल जो अब हमारा 1 GB का हो चुका है। तो यहाँ पर कहाँ चला गया अदर फाइल 1 GB, 3 GB से 1 GB हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में लेकर दिखाता हूँ कि हमारा जो अदर फाइल्स है वो कितना हो चुका है। इसको हम एक बार क्लीन कर देते हैं, क्लीन करने के बाद सेटिंग खोलते हैं। अब अदर्स में जाते हैं, 17 GB का था, आपने देखा था 17 GB का था, और अब आप देखते हैं हमारा कितना है। अब आप देख सकते हो मैंने 2 GB के आसपास डिलीट कर दिया था, क्योंकि हम 3 GB ही डिलीट कर सकते थे। तो अब आप देख सकते हो 17 से 15 हो चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और बाकी कैच फाइल और स्टोरेज आप देख सकते हो अब 12 GB से 14 GB हो चुका है। तो इस मेथड से आप भाई अपने फ़ोन की स्टोरेज बढ़ा सकते हो। अदर फाइल को, कैच फाइल को डिलीट करोगे आपका स्टोरेज बढ़ जाएगा। कैच फाइल आप सारी डिलीट नहीं कर सकते, कुछ ही डिलीट कर सकते जैसे मैंने दिखाया, और भी मैं स्टोरेज कर सकता हूँ तो मैं कर लूँगा, आप भी कर लेना। बस उन्हीं फाइल को करना जो कि आपको इंपॉर्टेंट ना लगे, आपको देखना भाई कौन कौन सी फाइल है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, अब अगर आप सिक्योरिटी ऐप में चले जाओगे तो इसमें आपका एक फीचर देखने को मिलता है डीप क्लीन। तो आप जैसे इसमें चले जाओगे डीप क्लीन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका क्या क्या भरा हुआ है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो फोटोज़ में, यहाँ पर आप देख सकते हो फोटोज़ मेरी इतनी है भाई, यहाँ पर अभी ये स्कैन कर रहा है सही तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो 700 MB के आसपास ये कुछ है भाई, ये ऐड देना भाई पता नहीं किसानों में कब बंद करेगा। ऐप्स आप देख सकते हो 3 GB के ऐप्स है, ये देख सकते हो बिग फाइल, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी फाइल है 2.9 GB की ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो भाई ये वाली जो फाइल है ये पता नहीं कौन कौन सी फाइल है, यहाँ पर आप इनको भी डिलीट कर सकते हो। या आप देखते हो अलग अलग तरह की फाइल है, आपको देखना भाई कौन सी फाइल आपके लिए अनइम्पोर्टेंट है, यानी कि पता नहीं भाई कौन कौन सी फाइल है, तो आपको वो सेलेक्ट करनी है और डिलीट कर देनी है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आप देखते हो ये आपके अलग अलग फाइल है, ये आपके मे बी वो होंगे क्या कहते हैं गेम का डाटा है भाई, इसको डिलीट मत करना। बाकी आप देखते हो ये है जैसे कि, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ भाई, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, क्योंकि ये भाई एक कस्टम रोम तो मैंने डाला था ये बेकार है, इसको मैंने क्लीन कर देता हूँ। अब मेरा जो स्टोरेज है वो कम हो गया। तो इस मेथड से भाई भी आप डिलीट कर सकते हो बहुत सारे
सारी चीज़ों को जो भी आपको यूज़ नहीं करनी है, तो ऐप में भी दिया, ऑफिशियल ऐप में भी, और जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उससे आप भी डिलीट कर सकते हो। तो आपको बताना भाई ये आपको क्लीनिंग वाला वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पर मैसेज कर लो, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।